अपहरण कर फिरौती वसूलना बदमाशों का पुराना तरीका रहा है, लेकिन फिरौती मांगने से पहले ही अपहरण किए गए शख्स की हत्या कर दी जाए तो मीरा रोड के 13 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला कुछ ऐसा ही है। पहले तो इस बच्चे को अगवा किया जाता है, फिर बच्चे की हत्या कर दी जाती है और फिर 35 लाख की फिरौती मांगी जाती है। मीरा रोड में 31 तारीख की शाम को कोहराम मच गया था, क्योंकि मीरा रोड में रहने वाले विष्णु ठाकुर का 13 साल का मयंक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। लिहाजा घर वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी परेशान थे। इसी बीच मयंक के पिता के मोबाइल की घंटी बजी और 35 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। इस फोन कॉल ने उनके होश उड़ा दिए। पिता विष्णु अपने बेटे के गायब होने से पहले ही परेशान थे, ऊपर से फिरौती के इस फोन कॉल ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मयंक कहीं खोया नहीं है, बल्कि किसी ने उसे अगवा कर लिया है। ठाकुर परिवार ने बेटे के अगवा होते ही पुलिस को इत्तला दे दी थी, लिहाजा पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रेसिंग पर लगा दिया। अब यह बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि किसी ने फिरौती के लिए मयंक को अगवा कर लिया है। जिस तरीके से शांति से मयंक को अगवा किया गया था, उससे यह बात भी साफ हो चुकी थी कि मयंक को किसी जानने पहचानने वाले ने ही अगवा किया है। अपहरण के बाद कत्ल के इस मामले में जब पुलिस ने बदमाशों के चेहरे पर से नकाब हटाया तो सब हैरान रह गए। पुलिस को पता चला कि दरअसल जिस नंबर से मयंक के पिता को कॉल आया था वह कोई पेशेवर बदमाश नहीं, बल्कि उन्हीं दो लोगों का था जो अक्सर मयंक के साथ देखे जाते थे। अब पुलिस ने इस मामले में मुखबिरों तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम क्रमशः अफजल मोहम्मद अंसारी और इमरान शेख है। जब कासीमीरा पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा तो इस बात का खुलासा हुआ कि बदमाशों ने मयंक के किडनैपिंग की साजिश 4 से 5 महीने पहले ही रच ली थी। आरोपियों अनुसार अफजल को सैलून और इमरान को गैराज खोलना था, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसीलिए पहले अफजल ने मयंक से दोस्ती की। इस बीच अफजल को पता चला कि मयंक को फोन चाहिए, जिसके बाद इसी बात का फायदा उठाते हुए अफजल ने अपने साथी इमरान के साथ मिलकर मयंक को फोन दिलाने का लालच दे बाइक पर बैठाया और वसई की ओर ले गया और वहां से ब्रिज के ऊपर से धक्का दे दिया। धक्के के बाद जब मयंक की जान नहीं गई तो इन दोनों ने मयंक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद ये दोनों आरोपी मयंक के माता पिता से मिले और उनका नंबर ले मयंक के बारे में कुछ भी पता चलने पर उन्हें इत्तला करने की बात कही और फिर उसी नंबर को लेकर घर गए और मयंक के पिता को फोन कॉल कर उनसे फिरौती की मांग की। लेकिन कासीमीरा पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर ही अपहरण के बाद हत्या के इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा कर रख दिया और इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा तथा इनके पास से बाइक और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू भी बरामद कर लिए। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। सर, ये लड़का नाबालिग है और आरोपी जो है वो बालिग है, जवान है, इनकी दोस्ती कैसे हुआ? आप जैसे बता रहे 4-5 महीने पहले से इनका प्लानिंग चल रहा था, तो वो कैसे संभव है एक नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने किस तरह से दोस्ती की, कैसे वो इतने करीब गए उनके, दोस्ती का कनेक्शन क्या रहा? है कि लड़का जो है अब अपना उसका पुराने एरिया में जो उसके दोस्त थे वहाँ पे उसका हमेशा जाना आना था, हमेशा उठता था बैठता था, कुछ बुरी आदतें भी उसको हो सकती थी। उसके अलावा जो आरोपी है उनको भी कुछ बुरी आदतें जो है वो उस तरीके की दिखी जाती है। इन्होंने एट रैंडम लड़के को सिलेक्ट किया, लड़का भी काफ़ी घुलने मिलने वाला है, इससे उससे दोस्ती करने वाला है। इन्होंने उसको ईजिली टारगेट किया, उससे दोस्ती बढ़ाई, जान पहचान बढ़ाई और उसे तेरा तुझे नया मोबाइल खरीद के देंगे इस तरीके का उसको बहलाया फुसलाया। बच्चा भी थोड़ा उनके बातों में आ गया और नया मोबाइल उसे मिलेगा इस बातों में उसकी भी उसके साथ अच्छी पहचान होगी। जबकि आरोपियों का पहले से ऐसा प्लान था कि इसका जो सिम कार्ड है उन्होंने उससे कहा भी था कि तुझे नया मोबाइल देंगे लेकिन अब सिम कार्ड हमारे पास नहीं है, तो सिम कार्ड लेके आ। तो उसने घर पर जो पड़ा हुआ था सिम कार्ड वो लेके आया और नया मोबाइल मिलेगा अपने को, इसलिए वो बच्चा भी उनके साथ घूमते रहा। सर, किडनैप करके एक्चुअली लेके कहाँ जाने वाले थे, क्योंकि बॉडी तो नायगांव में मिली है, कहाँ रखने वाले थे उन लोग? ऐसा है कि किडनैप करने के बाद जो हमको आरोपियों से फिलहाल प्राइमा पीसी पता चला है उनके पास रखने की कोई जगह नहीं थी, तो इसको रखेंगे कहाँ उनके पास वो भी क्वेश्चन था। और सेकेंडली अगर बच्चा कुछ छोड़ देते हैं तो ये अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से पुलिस उनके तक पहुँच जाएगी, उनको अरेस्ट हो जाएंगी। उनका ऐसा चाहना था कि उनको फिरौती की रकम भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले कि किसने किडनैप किया है,
ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।